नमस्कार, मैं चंदना नेगी संवाद 365 के माध्यम से आप सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में हमें अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, एनजीओ और समाज सेवियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए, जो इस मुश्किल दौर में भी मदद के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन के कारण जगह जगह पर फंसे लोगों को भी मैं सलाम करना चाहती हूँ, जो विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग भी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप और हम सबको अफवाहों से बचकर रहना है और किसी भी अफवाह और गलत जानकारी को फैलने से रोकना है। आइए हम सब मिलकर इस वायरस से डटकर मुकाबला करें। वो भी क्या लोग थे, कैसे जाबाज थे, वो भी क्या लोग थे, कैसे जाबाज थे, जिनके क्या जीने मरने के अंदाज थे, जिनके क्या जीने मरने के अंदाज थे। कह गए वो अभी हम मरे हैं कहाँ, कह गए वो अभी हम मरे हैं कहाँ, आखिरी सांस तक ये जिंदगी हम जिएंगे वतन के लिए, मर मिटेंगे वतन के लिए, जान देंगे वतन के लिए, मौत का खौफ हमको नहीं, हम जिएंगे वतन के लिए। लड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। मैं शांति रावत संवाद 365 के माध्यम से आप सभी देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में हमें अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, एनजीओ, समाज सेवियों का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहिए। इस मुश्किल दौर में भी लोगों की मदद के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण फंसे हुए उन लोगों को भी मैं सलाम करना चाहती हूँ, जो इस विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको और हमको अफवाहों से बचकर रहना है, किसी भी गलत अफवाह या गलत जानकारी को फैलने से रोकना है। आइए हम सब मिलकर इस वायरस से डटकर मुकाबला करें और इसे हराकर आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।